अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंडिया में 100 लोगों में से 10 लोग थायराइड से कॉस्ट होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि थायराइड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये ग्लैंड होती है और ये जो फंक्शंस होते हैं थायराइड हार्मोन्स के, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में। सो थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि नेक में फ्रंट साइड पर प्रेजेंट रहती है और ये बटरफ्लाई शेप की होती है। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और वो बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो जैसे कि आपने कभी थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट कराया होगा तो वहाँ पे 3 हार्मोन्स लिखे आते हैं, TSH, T3 और T4। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन्स होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड से बेसिकली T4 और T3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करके रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपके वेट गेन को और वेट लूज को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद आपके हार्ट रेट को भी ये स्पीड अप और स्पीड डाउन का भी ख्याल रखते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हार्ट रेट को कम करते हैं और बढ़ाते हैं। उसके बाद आपके बॉडी के टेम्परेचर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर देते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इसका अफेक्ट पड़ता है और ये बताते हैं कि आपकी मसल्स को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना है, आपकी स्किन को और बोन को ये मैनेज करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपकी बॉडी में टू मच थायराइड हार्मोन्स हो जाते हैं तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी, इरिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, हेयर लॉस, स्किप्ड पीरियड और स्वेटिंग। इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल सकती हैं जब आपकी बॉडी में टू मच थायराइड हार्मोन्स हो जाते हैं, और हम इसको हाइपर थायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है, उस केस में आप वेट को लूज करते हैं। अगर हम बात करें अगर आपकी बॉडी में टू लो थायराइड हार्मोन्स का लेवल हो जाता है तब आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो आपकी बॉडी में उस टाइम पे वेट लूज हो सकता है, सॉरी वेट गेन हो सकता है, मेमोरी इश्यू हो सकता है, लीथर्जी हो सकता है, फटीग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेक फॉग और ड्राई स्किन। इस तरह के सिम्टम्स आपको लो थायरॉयडिज्म में देखने को मिल सकते हैं जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं, और आप इसमें वेट गेन करते हैं। सो इस तरह की चीज़ें आपको, इस तरह के सिम्टम्स आपको थायराइड के हार्मोन्स जब लो या डाउन होते हैं, सॉरी लो या टू मच होते हैं, तो आपको उस केस में देखने को मिल सकते हैं। थायराइड हार्मोन्स, वैसे तो हमारी बॉडी में सारे हार्मोन्स फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में जाते हैं जहाँ पर उनको ज़रूरत रहती है। सो हार्मोन्स का काम है फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना और वो हमारी बॉडी के हर एक फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं।